दिल्ली में दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, केजरीवाल जी की सरकार कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोगों को वैक्सीन लग जाए, दिल्ली के हर नागरिक के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। हम तमाम तरह से कोशिश कर रहे हैं, जितनी वैक्सीन हमको मिल रही है हम उनको फटाफट वैक्सीन लगा रहे हैं, ताकि जिसको भी वैक्सीन लग जाएगी कम से कम उसका स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना सुनिश्चित होने लगेगा। इस मकसद से काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जब अरविंद केजरीवाल जी कुछ काम की बात करते हैं वो गालियां देने लगते हैं। आज खट्टर जी ने, कल मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, खट्टर साहब ने कहा कि केजरीवाल जी जल्दबाजी कर रहे हैं, वैक्सीन धीरे धीरे लगवाएं, मतलब वैक्सीन बचा के रखें। उधर जेपी नड्डा जी ने भी कल अरविंद केजरीवाल जी के लिए काफ़ी उल्टा सीधा बोला, बुरा भला कहा उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने कोविड मैनेजमेंट के फेलियर को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते रहते हैं। पूरे देश में उनसे कोविड नहीं संभला, जब कोविड को संभालने की बात थी, जब वैक्सीन लाने की बात थी, जब वैक्सीन प्रोक्योर करने की बात थी, देश में वैक्सीन को ज़्यादा बनवाने की बात थी, उस वक्त तो इमेज मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट में लगे रहे। और अब जब वैक्सीन की मांग कर रहे हैं लोग, अरविंद केजरीवाल जी मेहनत करके वैक्सीन के मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो उससे पहले मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग जाए और सबके अंदर सुरक्षा रहे, एंटीबॉडीज रहे, तो वैसे में फिर ये निकल के अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते हैं। कभी खट्टर साहब कुछ बोल देते हैं, कभी नड्डा साहब कुछ गालियां देने लगते हैं। इन्होंने पहले दिल्ली के लोगों की ऑक्सीजन रोक ली, फिर अरविंद केजरीवाल जी ने लड़ लड़ के इनसे लड़े, कोर्ट में भी इनसे जाके लड़े, वैसे भी लड़े, और फिर दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन लेके आए, और इसकी वजह से दिल्ली के हजारों लोगों की जान बची। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमें दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगानी है, तो ये गालियां देने लगते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप जितनी गाली दे लो, लेकिन जब तक दिल्ली के हर आदमी के लिए दिल्ली में वैक्सीन नहीं आ जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से वैक्सीन मांगते रहेंगे। केजरीवाल जी वैक्सीन मांगते हैं, आप गालियां देने लगते हो कि राजनीति कर रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूं, अपने अपने राज्यों में भी जहां जहां आपकी सरकार है वहां लोगों को वैक्सीन लगाने पर ध्यान दो। केजरीवाल जी दिल्ली के एक एक आदमी को वैक्सीन लगा के थर्ड वेव से पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जितना जल्दी लोगों को वैक्सीन लग जाए उतना जल्दी लोगों की जान बचेगी, उतना ज़्यादा लोग सुरक्षित रहेंगे थर्ड वेव अगर आती है तो। तो केजरीवाल जी तो वैक्सीन मांगते रहेंगे, आप चाहे जो गालियां देते रहो, चाहे जो करते रहो, केजरीवाल जी का मकसद है लोगों की जान बचाना। आपने अगर अपना मकसद वैक्सीन बेचना बना रखा है या वैक्सीन बचाना बना रखा है तो ये आप जानिए, लेकिन केजरीवाल जी का मकसद है कि लोगों को वैक्सीन लगे, लोगों की जान बचे, वो उसके लिए काम करते रहेंगे। आपका मकसद है वैक्सीन बेचने, आप बेचने पे काम करते रहिए। थैंक यू।